यार ये तो हम सबको ही पता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा क्या हासिल होता है। बट भाई वो यही गलतियां जब कुछ लकी लोगों और साइंटिस्ट से होती हैं तो वो बना देते हैं कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो पूरी ही दुनिया में रिवॉल्यूशन ले आते हैं। तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मजेदार इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं जो गलती से बन गई हैं। यार वो सोचो कोई सिर्फ खुद को क्रिएटिव शो करने के लिए क्या क्या कर सकता है। आज हम देखेंगे गोता बनाना। कुछ गड़बड़ हो गया यार। इस एक्सपेरिमेंट को रियल करने के लिए राशि ने भी कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। यार हर किचन में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से होता आ रहा है और एक्सपेरिमेंट में हुई गलतियों से भी नई नई चीजों का इन्वेंशन होता आ रहा है। गाइस जाने के कुक ने 2000 साल पहले गलती से अपने किचन में फायर क्रैकर्स का इन्वेंशन कर डाला था। उस कुक ने चारकोल, सल्फर और सैंड पीटर को एक्सीडेंटली मिक्स कर दिया था और जब उसे बम्बू ट्यूब में कंप्रेस किया तो धमाका हो गया। भाई ये कुक सच में कोई कुक था ना, हरकतें तो केमिस्ट्री टीचर वाली लग रही हैं। वैसे यार मैं सोच रहा था कि पटाखे बनने से पहले दिवाली कैसे मनाई जाती होगी। यारो अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गलतियां करते हैं पर उनकी गलतियां इन्वेंशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। यारो फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट के सर पर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने फिजिक्स का हमें ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स दिया, पर यारो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन कॉन्सेप्ट्स का असर हम बच्चों पर कितना पड़ेगा। न्यूटन का कितना लो? न्यूटन का तीन तीन तीन। अच्छा पूरा नाम क्या है न्यूटन का? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब भाई देख रहे हो, न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स ने बेचारे के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि बेचारा न्यूटन का पूरा नाम ही भूल गया। वैसे गाइस फिजिक्स के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से होते आए हैं। ऐसे ही जब एक बार विल्हेम रोंटिंगेन जब कैथोड रे की प्रॉपर्टीज एग्जामिन कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि कैथोड रे ट्यूब की शाइनिंग लाइट जब फ्लोरेसेंट पेपर पर गिरती है तो वो इजिली दिख सकती है। बस फिर क्या था, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज करके एक्सरे मशीन का इन्वेंशन कर डाला जिसने आज तक ना जाने कितनी हड्डियों को जोड़ने में मदद की है। यारो स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड डेवलपमेंट हो जाने के कारण मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को उसके नाम से ज्यादा उसके ब्रांड से बुलाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग पतंजलि के टूथपेस्ट की जगह उसे पतंजलि कोलगेट कहते हैं। गाइज ऐसे ही ब्रांड नेम से फेमस हुए कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्ट कोका कोला को तो हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। गाइज आज कोका कोला का टेस्ट लगभग हर कोई पहचान लेता है, पर यारो क्या आपको पता है कि कोका कोला को किसी सिर्फ ने नहीं बल्कि एक कॉमन मैन ने अपनी गलती से बना डाला था। डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन एक कोकीन एंड कैफीन फिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना चाहते थे ताकि वो लोगों के खुद को इसके टेस्ट का एडिक्शन करवा सकें। पर भाई वो कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण इसके रेसिपी से अल्कोहल को निकालना पड़ा और कुछ ऐसे ही और चेंजेस के बाद वो ड्रिंक कोका कोला बन गया। मतलब भाई इस पूरे घटना के बाद बेवड़े डॉक्टर जॉन बिलाई थोड़ा मूड खराब कर दिया। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 800 के बहुत ही करीब हैं। अरे सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो, ओह यस। यारो इस कमाल के ऐड के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किसी भी चीज को क्विक चिपकाने वाला फेविक्विक हम जुगाड़ू लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। चीजों को चिपकाने के साथ ये कुछ खास तरह के कट्स एंड वुंड्स को हील करने में भी यूज किया जाता है। पर यारो आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि ये गलती से टूट गई चीजों को चिपकाने वाला फेविक्विक खुद भी गलती से ही बन गया था। यस गाइस, 1942 में जब हैरी कूवर एक ऐसे मटेरियल को बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि क्लियर प्लास्टिक गन साइट बन सके तब उन्होंने गलती से एक ऐसा फॉर्मूला बना डाला जिसके कॉन्टेक्ट में आने से कोई भी चीज जल्दी से चिपक जाती हो, उसमें उनका ये इन्वेंशन रिजेक्ट कर दिया गया था। पर जब 1951 में सेम फॉर्मूला को कूवर ने रीप्रपोज किया और उसे एडेसिव के लिए पेटेंट करवाया तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। यारो चलो आज मिलकर इस पहेली को सॉल्व करते हैं। सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में एक चिंगारी, जोड़ो हाथ तो निकले घर से, फिर घर पर सिर पटक दे। चलो जरा आप कुछ सेकंड्स के लिए सोच लो। सोच लिया? यारो इसका करेक्ट आंसर है माचिस। गाइस माचिस का नाम सुनते ही हम सबके मन में अनु मलिक के साथ साथ ये जरूर याद आता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। यारो 1826 में जॉन वॉल्कर ने एक्सीडेंटली मैच बॉक्स का इन्वेंशन किया था। दरअसल एक बार वो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे और जब उन्होंने सॉल्यूशन को स्टिर करने वाले स्टिक को सूखने के बाद रफ सरफेस पर रब किया तो फिर उसमें आग लग गई और फिर यारो इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने मैचेस का इन्वेंशन कर डाला। यारो हम हमारी लाइफ में हर काम में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और हमारे चतुर माइंड में शॉर्टकट के नाम पर भी कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।
यार ऐसे इम्पॉसिबल शॉर्टकट आइडियाज लगभग हम सभी के दिमाग में आते हैं, और ऐसे इन्वेंशन के बारे में सोच के हम भी खुद को न्यूटन से कम थोड़ी ना समझते हैं। यार राहुल गांधी की ही तरह सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी एक ऐसा वंडर ड्रग का इन्वेंशन करना चाहते थे जिसे लेते ही मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सके। और गाइस सरप्राइजिंगली उन्होंने इस वंडर ड्रग को गलती से बना भी डाला। यार एक कंटामिनेटेड पेट्री डिश में एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर कुछ मॉल्ड जैसा बन गया है जो कि अपने अंदर सारे ही बैक्टीरियाज को डिसॉल्व कर ले रहा था। भाई गलती से ही सही, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस एक्सपेरिमेंट से पेंसिलिन का इन्वेंशन कर डाला था। यार हमारे डेली लाइफ के मोस्ट यूज्ड चीजों के लिस्ट में आने वाले इस सेफ्टी पिन के इन्वेंशन की स्टोरी भी काफी कमाल की है। यार हमारे हाथ में कुछ भी आ जाए हम उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा करके हम या तो उसे बर्बाद कर देते हैं या उसको कुछ इंटरेस्टिंग सा जरूर से बना देते हैं। यस गाइज, ऐसे ही एक बार वॉल्टर हंट जब वायर हाथ में लेकर उसे रैंडमली मोड़ रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो वायर ऐसा स्ट्रक्चर बन गई है जो खुद इजिली वाइंड और अनवाइंड हो सकती है। और गाइज ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने सेफ्टी पिन का इन्वेंशन कर दिया। सो यार ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो गई, बट अगर आपको और भी फंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है तो आपके लिए है ये वीडियो जिसमें मैंने ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें बड़ों ने नहीं बल्कि बच्चों ने बनाई है। और अगर इसे देख लिया है तो आपके लिए है ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा कुछ सीखते रहो, हैप्पी रहो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।